नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुरेश, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्सटाइल एडवाइजर पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लूम या वीविंग मशीन का प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं और एफिशिएंसी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दोस्तों, तो इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, कैलकुलेशन के बारे में समझाऊँ, दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिस आप तक पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के डिस्कशन का टॉपिक है लूम प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी कैलकुलेशन, मतलब कि जो लूम पर कपड़ा बनता है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि कितने टाइम में कितना कपड़ा बन रहा है या पर शिफ्ट कितना कपड़ा बन रहा है और हमारी मशीन की एफिशिएंसी कितनी आ रही है। तो उसके बारे में मैं आपको कैलकुलेशंस बता रहा हूँ दोस्तों। तो आप देखिए, स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो लूम आपकी है या वीविंग मशीन है आपकी, वो कितने आरपीएम पर चल रही है। आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर आप कितने पिक इंसर्ट कर रहे हो। एक रिवोल्यूशन में लूम के में एक पिक इंसर्ट होता है, तो अब आपकी मशीन जितने आरपीएम पर चल रही होगी उतने पिक इंसर्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लूम आरपीएम कितना है, वो है 700 रेवोल्यूशंस पर मिनट है। दोस्तों, अब आपके कपड़े में पिक कितने इंसर्ट हो रहे हैं पर इंच, वो हो रहे हैं 90, यानी कि जो आपकी पीपीआई है, पिक्स पर इंच है, जो कपड़ा बना रहे हैं उसका है 90 है। तो अब दोस्तों क्या होता है, जब लूम चलती है तो जब भी धागा टूटेगा बंद होगी, कभी वेफ्ट ब्रेकेज होगा तब भी बंद होगी, तो अदर स्टॉपेज भी हो सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कहीं पर आपका पावर फेलोर हो जाता है, उससे भी बंद होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप कि हमने यहाँ पे रीजन दिखाए हुए हैं लूम स्टॉप होने के, टाइम टू मेंड ये बार ब्रेकेज है। तो जो बार ब्रेकेज हो रहे हैं उनको मेंड करने में कितना समय लग रहा है आपका, आपका लग रहा है 10 मिनट, और बेफ्ट ब्रेकेज को अटेंड करने में कितना समय लग रहा है, यानी कि रिस्टार्ट करने में कितना समय लग रहा है पिक फाइंडिंग के बाद में, टोटल मिला के वो लग रहा है, सब मिला के 5 मिनट लग रहा है। जितने भी बेफ ब्रेकेज हुए हों उनको सबको मिला के 5 मिनट लग रहा है, और यहाँ पे जितने भी बार ब्रेकेज हुए हैं उनको मेंड करने में और रिस्टार्ट करने में कितना लग रहा है दोस्तों, 10 मिनट लग रहा है दोस्तों। तो अब और अदर स्टॉप, पावर फेल हो गई, पावर फेल नहीं है तो आपका जो बेफ का कौन होता है, बेफ का पैकेज है वो खाली हो गया, उसको रिप्लेस करने में और भी हो सकता है, रोल लॉकिंग भी हो सकती है, तो उन सबको मिला के कितना लग रहा है आपका टाइम, वो लग रहा है 10 मिनट। तो दोस्तों आपका टोटल स्टॉपेज टाइम हो गया 10 + 5 + 10, ये हो गया आपका 25 मिनट, यानी कि पूरे शिफ्ट के अंदर आपकी लूम बंद रहती है, कितनी बंद रहती है, 25 मिनट बंद रहती है, आइडल रहती है 25 मिनट तक। दोस्तों तो यहाँ पर देखिए, तो जो टोटल आवर ऑफ वर्किंग शिफ्ट है वो है आपकी 8 आवर, यानी कि आपकी शिफ्ट है 8 आवर की। तो यहाँ पर देखिए, आपकी शिफ्ट के अंदर लूम की रियल टाइम यूटिलिटी कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 7 आवर 35 मिनट्स आएगी। वो कैसे आएगी दोस्तों, कि यहाँ पे जो भी 8 आवर का जो टाइम है उसमें हमने आइडल टाइम घटा दिया है, लूम आइडल टाइम घटा दिया है, 25 मिनट घटा दिया, यानी कि 8 आवर - 25 मिनट, तो वो कितना निकल के आ जाता है, 7 आवर 35 मिनट निकल के आ गया आपका रियल टाइम यूटिलिटी। तो दोस्तों हमने 8 आवर में से घटा दिया है, 25 मिनट को घटा दिया, तो वो यहाँ पे निकल के आ गया है आपका 7.583 आवर्स आ जाता है दोस्तों। अब इससे हम लूम की एफिशिएंसी बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो एफिशिएंसी का मतलब ये हो सकता है, यही मतलब होता है कि आपकी लूम जो 8 आवर में से कितने परसेंट चली है, मतलब 8 आवर का कितना परसेंट आपकी लूम रन करती रही है उस टाइम का। तो देखिए रियल टाइम यूटिलिटी क्या है आपकी आवर्स में, वो ये यहाँ पर रख दी, और टोटल आवर्स ऑफ वर्किंग शिफ्ट रख दिए वो × 100। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको रियल टाइम यूटिलिटी निकाली है, वो है आपकी आवर्स में 7.583, और 8 आवर्स से हमने यहाँ पर भाग दिया है × 100। तो आपकी लूम की जो रनिंग एफिशिएंसी वो निकल के आ जाती है आपकी 94.78%।
दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि लूम का प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं पर शिफ्ट। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया हुआ मैंने आपको, लूम आरपीएम इंटू 60 इंटू टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ द शिफ्ट इंटू एफिशिएंसी और डिवाइडेड बाई पिक्स पर इंच डिवाइडेड बाई 39.37 और इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आरपीएम है, तो आरपीएम में हमने जो 60 का गुणा किया, ये क्यों किया कि आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट के अंदर कितने लूम के रेवोल्यूशन हो रहे हैं, और 60 से गुणा कर दिया तो वो एक घंटे के रेवोल्यूशन हो गए, और टोटल वर्किंग आवर्स से हमने गुणा कर दिया तो ये हो गए आपके, हमने यहाँ पर टोटल वर्किंग आवर्स का गुणा कर दिया तो वो हो गए आपके पूरे 8 आवर के रेवोल्यूशन हो गए। तो जितने 8 आवर्स के अंदर लूम के रेवोल्यूशन होंगे वही आपके नंबर ऑफ पिक्स 8 आवर में इंसर्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पर क्या करा, पिक्स पर इंच से भाग दिया, पिक्स पर इंच से भाग देते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है कि ये कपड़ा आपका इंच में बन जाता है, और 39.37 से भाग देते हैं तो ये कपड़ा आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोस्तों हमने एफिशिएंसी का गुणा किया यहाँ पे इंटू एफिशिएंसी और डिवाइडेड बाई 100, इसलिए किया है कि लूम आपकी पूरे 8 आवर्स चल नहीं रही है क्योंकि स्टॉपेजेस हैं, बार ब्रेकेज के स्टॉपेजेस हैं, लेफ्ट ब्रेकेजेस के स्टॉपेजेस हैं, और आपका अदर स्टॉपेज भी है, तो उससे आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं होके वो रह गई आपकी 94.78%। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिए हमने एफिशिएंसी का गुणा कर दिया है। दोस्तों अब सारे वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करने के बाद में देखिए आरपीएम रख दिए 700 है, और यहाँ पे 60 का गुणा कर दिया तो ये एक घंटे का आ गया आपका, और यहाँ पे हमने 8 से गुणा कर दिया तो पूरी शिफ्ट का आ गया, यहाँ पे हमने 90 से भाग दिया, 90 से भाग इसलिए दिया कि हमारे कपड़े में जो पिक्स पर इंच है वो है 90। दोस्तों हमने यहाँ पर 39.7 से भाग दिया, इसलिए दिया है कि ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, और ये हमने एफिशिएंसी से गुणा कर दिया 94.78 डिवाइडेड बाई 100। तो दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 89.87 मीटर। तो क्या है ये, क्या निकल के आ गया आपका, 8 आवर्स का प्रोडक्शन निकल के आ गया, मतलब आपकी लूम अगर 8 घंटे चलेगी वो कितने पे चलेगी आपकी, 94.78% एफिशिएंसी पे चलेगी, तो आपका कपड़ा जो बन के आएगा वो होगा 89.87 मीटर्स कपड़ा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं समझता हूँ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा कि लूम की एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है और लूम का प्रोडक्शन कैसे निकाला जाता है मीटर में। तो दोस्तों देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों फिर वो एक रिक्वेस्ट आपसे, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में लगा हुआ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाले अपने वीडियोज आप तक पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।